इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम सुनते ही ऐसा लगता है इलेक्ट्रोस्टैट्स आ गया। आया तो इलेक्ट्रोस्टैट्स ही है, लेकिन कुछ डिफरेंट सा आया है, मैं बताता हूँ कैसे। अब हमने ईएम वेव्स कर लिया, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या सीखा कि जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपने आप पैदा हो जाएगा। जैसे मैक्सवेल ने कैपेसिटर की प्लेट्स में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा अपने पैदा हो गया। उल्टा भी ट्रू है, अगर आप किसी स्पेस में किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने आप पैदा हो जाएगा। उस पैदा हुए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो देयर इज अ ग्रेट सिमेट्री नेचर बताया था मैक्सवेल ने, कि उसने ये पहले रिजल्ट पढ़ लिया होगा ना कि हमने जो छोड़ दिया था कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होता है। तो वही उसने दिमाग लगाया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप पैदा होगा। तो यही है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक उसने कहा कंडक्टर लो, एक कंडक्टर ले लिया हमने, इसके अंदर करंट, जब मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हो, मान लो आप बी को इंक्रीज कर रहे हो, इसमें करंट पैदा हो जाएगा, इंड्यूस करंट पैदा होगा। कैसे होगा? अगर आप बी अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहे हो तो उस तो अगर बी इंक्रीज कर रहे हो तो ये नहीं चाहेगा, ये अपना बी कैसे कर लेगा बाहर, तो इंड्यूस करंट कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होगा इसमें, जिसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ई वेक्टर, उसकी डायरेक्शन भी इंड्यूस करंट की तरह ही होती है। तो कैसे होती है? जैसे इंड्यूस करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप इमेजिन करें एक लाइन खींच लें और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ड्रॉ अ टेंजेंट। अब टेंजेंट ड्रॉ करें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड। तो ई वेक्टर है, डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से होगी। तो इसमें जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर होगा वेक्टर टेंजेंट है। तो इसके अंदर इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं और रूल्स हैं, और ये रूल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड से जो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ के आए हैं। इसका पहला रूल है, इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। जबकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ा था स्टैटिक चार्ज की वजह से, वो क्या था? वो कंजर्वेटिव था। कंजर्वेटिव का मतलब, अगर आप एक किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाते हो, ए से बी, तो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। इसमें करता है, रास्ता लंबा है तो वर्क डन ज़्यादा है, रास्ता छोटा है वर्क डन कम है, इसमें करता है। दूसरा, इसके अंदर क्लोज्ड पाथ में अगर वर्क डन करेंगे तो नॉन जीरो आएगा, जबकि कंजर्वेटिव में अगर आप वर्क डन करते हो किसी भी क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ का मतलब जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर वापस ले आए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? जीरो। तो वर्क डन भी क्या हो जाता है? जीरो। इसमें जीरो नहीं होता। तो इसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ई डॉट डी एल क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस, याद करो इलेक्ट्रोस्टैट से। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल की वैल्यू इस चैप्टर में इंड्यूस्ड ई एम एफ के इक्वल होती है। इंड्यूस्ड ई एम एफ वोल्ट में होती है, वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट है, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड ई एम एफ की वजह से होती है, दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो, फॉर्मूला लिख लेना, टॉपिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये फॉर्मूला लिखो, इस किसी भी न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला काम आएगा। तो फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो, फॉर्मूला फॉर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो क्वेश्चन है, सॉरी ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड इज टेंजेंट टू एवरी पॉइंट टेकन ऑन अ सर्कल या पाथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल ड्रॉ करेंगे, वो हमने डिस्कस कर लिया। बीइंग नॉन कंजर्वेटिव, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल हैज नो मीनिंग इन सच अ फील्ड। तो एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है, पोटेंशियल वगैरह कुछ नहीं होता इसमें। दिस फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाई स्टैटिक चार्जेस, वो रूल इस पर नहीं लगेंगे। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, वो मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे इसको एक बार चेक करते हैं। तो इसके लिए
जो असाइनमेंट अभी कर रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर ओपन करें, ये वाला क्वेश्चन 7th। इस क्वेश्चन को इमेजिन करें कि क्वेश्चन कि क्या फिगर बनेगी और ये कैसे होगा। इन अ रीजन ऑफ स्पेस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट ओरिजिन विद मैग्नेटिक फील्ड अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। द फील्ड इज गिवन बाय फील्ड टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज। सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और टाइम के साथ चेंज हो रहा है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्टेशनरी चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ आर वेयर आर ग्रेटर देन ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन ऐसा है, मैं समझा देता हूँ। ये एक सिलेंडर है, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा है, रेडियस इसका ए है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू कहाँ पर रखा है, एट डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द एक्सिस। आपको यहाँ पर फोर्स बतानी है इस चार्ज पे क्या होगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, ई, तो क्यू इंटू ई यहाँ पर फोर्स होगी। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों यहाँ पैदा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, चेंज, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ की तरह काम करता है ये लॉ। कैसे, जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहां निकालना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर पे निकालना है, तो आप वहां पर एक क्लोज पाथ बना लें। इस क्लोज पाथ में ई डॉट डी आर, ई डॉट डी एल, ई इनटू 2 पाई आर कर लें और आंसर क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होगा, बी इनटू एरिया। एरिया कौन सा लेंगे, इस क्लोज पाथ के अंदर कितने एरिया में बी चेंज हो रहा है, पाई ए स्क्वायर, पूरा मत लेना पाई आर स्क्वायर, कितने एरिया में बी चेंज हो रहा है, पाई ए स्क्वायर, और इनटू डीबी बाय डीटी, और बी की जगह बी नॉट इनटू टी। तो B की जगह B नॉट इन टू टी, तो B नॉट बाहर आ गया, सॉल्व करके क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फोर्स क्या है, क्यू इन टू ई, क्यू को E से मल्टीप्लाई करके आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन क्या है इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 8th, देखो ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ध्यान से देख लो। इस क्वेश्चन के अंदर एक सिलेंड्रिकल रीजन है, इस सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर आ रहा है। आपको एक रॉड गिवन है 2R लेंथ की, आपको P और Q पॉइंट गिवन है। आपको वो पूछेगा कि P और Q पॉइंट के बीच में EMF निकाल लो। आपने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं किया जिसमें ऐसी EMF निकलेगी, ऐसा मिलता जुलता भी क्वेश्चन किया नहीं है। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, देखो ये आती 100 में से एक ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि रूटीन में ये यूज होगा, एक्सेप्शनल प्रॉब्लम है ये। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आप इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करें जो P और Q को ज्वाइन करता हुआ आ रहा है। इस सर्कल का रेडियस क्या बनेगा, अगर ये R है, ये भी R है, तो ये रूट टू आर, तो रूट टू आर रेडियस का सर्कल बनेगा। इसमें
रूट टू आर रेडियस का सर्कल है इसमें, आप इसमें ये लंबाई अगर कैलकुलेट करें, लेंथ, ये लेंथ क्या होगी, देखो ये लेंथ होगी, अगर आप ध्यान से देखें एंगल 90 डिग्री आएगा, तो पूरा अगर सर्कल लें तो पूरे सर्कल में 2 पाई इंटू क्या आएगा, रूट टू आर आएगा, लंबाई 2 पाई इंटू रूट टू आर डिवाइडेड बाय 4, ये इसकी लंबाई आएगी एल। तो आप इसमें क्या करेंगे, पी से क्यू तक, और हाँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए थंब बोर्ड के अंदर होगा और करंट ऐसे जाएगा, इंड्यूस्ड करंट अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब एक काम करते हैं, इस क्लोज इस पाथ में जो पूरा सर्कल मैंने ड्रॉ किया था उसका रेडियस रूट टू आर था, तो ई इंटू सर्कमफ्रेंस 2 पाई इंटू रूट टू आर इज एरिया, एरिया कौन सा लेना, जहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स कितने एरिया में चेंज हो रहा है, पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, बी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डी बी बाई डी एल, इलेक्ट्रिक फील्ड में या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ई डॉट डी एल, इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट कर दिया, डी एल की वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखो ये नॉन कंजर्वेटिव है, इनिशियल फाइनल पर डिपेंड नहीं करेगा, ये पूरे रास्ते पर डिपेंड करेगा, तो पूरे रास्ते की लेंथ क्या है 2 पाई रूट 2 आर बाई 4, सॉल्व करके क्या आ गया, पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, यही आंसर है। मेडिकल में नहीं आएगा, एनसीईआरटी में नहीं आएगा, नॉन मेडिकल एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में आ गया तो एक टाइप मैंने करवा दी, नॉर्मल मेंस के अंदर भी नहीं देखा गया, पर अगर आ जाए तो एटलीस्ट एक टाइप का क्वेश्चन तो हमें पता होना चाहिए, मैंने मेडिकल में आता नहीं देखा, नहीं आएगा मेडिकल में, ठीक है, बहुत बड़ा है ना, छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालना है, फर्क यह है कि एंगल 120 है, 120 का मतलब ये जो लंबाई है ये 2 पाई इंटू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगी, उसमें 4 थी, एंगल 90 बना होता, इसमें 3 है, बाकी एवरीथिंग इज सेम, तो सेम क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम करने हैं, अभी जो नेक्स्ट आपने अभी करना है, शीट नंबर कौन सी थी,